कहते हैं राजनीति हर किसी को रास नहीं आती, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो राजनीति के लिए बने तो नहीं होते, लेकिन नियति उन्हें सत्ता के फलक तक पहुंचा ही देती है। भारतीय राजनीति में ऐसी ही एक शख्सियत रहे देश के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल। न्यूज नेशन की स्पेशल सीरीज एक्सप्लेनेशन में आज कहानी भारतीय राजनीति। आज कहानी भारतीय राजनीति के उस भद्र पुरुष की जो अपनी भल मानसता और सादगी के लिए जाने गए। इंद्र कुमार गुजराल ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक कार्यकर्ता, एक राजनयिक और एक नेता के रूप में देश की सेवा की। इंद्र कुमार गुजराल का जन्म 4 दिसंबर 1919 को पाकिस्तान के पंजाब के झेलम में हुआ था। देश आजादी की लड़ाई में जुटा था। गुजराल के परिवार की भी इसमें भागीदारी थी। उनके माता पिता खुद स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। इंद्र कुमार गुजराल बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में तेज थे। उन्होंने लाहौर के डीएवी कॉलेज से अपनी आगे की पढ़ाई की। एक छात्र के रूप में गुजराल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र इकाई AISF से जुड़े रहे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया और साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल भी गए। इतना सब करते हुए गुजराल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और वक्त के आगे बढ़ने के साथ साथ अपनी डिग्रियों की फहरिस्त में MA, PhD और DLit को जोड़ लिया। 26 मई 1945 को इंद्र कुमार गुजराल की शादी शीला गुजराल से हुई। देश की आजादी के बाद गुजराल का परिवार पंजाब के जालंधर शिफ्ट हो गया। साल 1958 में गुजराल को नई दिल्ली नगरपालिका समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद साल 1964 में गुजराल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। अपने प्रशासनिक कौशल की वजह से वो इंदिरा गांधी के करीबी नेताओं में से एक थे। यही वजह रही कि अप्रैल 1964 में कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। जून 1975 में इमरजेंसी के दौरान गुजराल सूचना और प्रसारण मंत्री थे। इस दौरान संजय गांधी चाहते थे कि देश का सरकारी मीडिया राग इंदिरा बजाए, लेकिन गुजराल इसके लिए तैयार नहीं थे। एक दिन उन्होंने काफी तल्ख लहजे में गुजराल को कुछ निर्देश दिए। गुजराल भड़क गए। उन्होंने संजय गांधी को डपटते हुए कहा कि तमीज से बात करो संजय, तुम मेरे बेटे की उम्र के हो, मैं ऑर्डर तुम्हारी मम्मी से लेता हूँ, तुमसे नहीं। ये कहकर इंद्र कुमार गुजराल तमतमाते हुए प्रधानमंत्री आवास से बाहर आ गए। इंदिरा को माहौल का अंदाजा हो चुका था। उन्होंने पहले तो गुजराल का मंत्रालय बदला, फिर उन्हें सोवियत संघ यानी आज के रूस में भारत का राजदूत बनाकर भेज दिया। राजनीति के जानकारों की माने तो गुजराल को एक सजा के तौर पर वहां भेजा गया था, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इंदिरा के बाद देश में मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह की भी सरकार बनी, लेकिन गुजराल सोवियत संघ से नहीं लौटा, क्योंकि ये बात सभी जानते थे कि जब अमेरिका पाकिस्तान के जरिए लगातार भारतीय उपमहाद्वीप में अपना दखल बढ़ा रहा है, ऐसे में रूस के साथ भारत के प्रगाढ़ रिश्ते बनाने के लिए एक समझदार और कुशल व्यक्ति की जरूरत है, और ये जिम्मेदारी गुजराल मॉस्को में बखूबी निभा रहे थे। उधर इंदिरा गांधी के बाद देश की राजनीति बड़े बदलाव की गवाह बन रही थी। गुजराल अब कांग्रेस छोड़ जनता दल में शामिल हो चुके थे। 1989 में लोकसभा के चुनाव हुए। गुजराल पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंचे। VP सिंह सरकार में गुजराल को विदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। कुवैत पर इराक के हमले और खाड़ी युद्ध के दौरान गुजराल की भूमिका इस कैबिनेट में काफी महत्वपूर्ण रही थी। इसके अलावा VP सिंह सरकार में गृह मंत्री रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी के अपहरण के मामले में भी बातचीत की अहम जिम्मेदारी गुजराल को ही सौंपी गई थी। इसके बाद 1991 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी और जनता दल भी कई धड़ों में बट गया था। तस्वीर बदली साल 1996 के चुनाव में, जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था। तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने सबसे ज्यादा 161 सीट जीतने वाले दल BJP को सरकार बनाने का न्योता दिया। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये सरकार सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाई और 13 दिन में अटल जी की सरकार गिर गई। इसके बाद दूसरे सबसे बड़े दल कांग्रेस ने 140 सीटें होते हुए भी सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद 13 राजनीतिक दलों ने मिलकर यूनाइटेड फ्रंट यानी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले केंद्र में सरकार बनाई। जनता दल की अगुवाई में बने इस मोर्चे का वाम दलों ने भी समर्थन किया। इनके अलावा इस मोर्चे में समाजवादी पार्टी, TDP, CPI, DMK, GK मुपनार की तमिल मनीला कांग्रेस और असम गण परिषद जैसे राजनीतिक दल शामिल थे। 1 जून 1996 को कर्नाटक के CM HD देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस सरकार में भी गुजराल विदेश मंत्री रहे। देवेगौड़ा की सरकार को कांग्रेस ने बाहर से समर्थन किया था, लेकिन कुछ ही समय में कांग्रेस के अध्यक्ष सीताराम केसरी बने और उन्होंने अचानक संयुक्त मोर्चा की सरकार से समर्थन खींच लिया और ये सरकार भी गिर गई। जानकार बताते हैं कि केसरी को डर था कि देवेगौड़ा की सरकार उन्हें फंसाने का प्रयास कर रही है, इसीलिए वो कुछ दिन बाद ही अड़ गए कि नेता बदलो वरना समर्थन वापस ले लेंगे।
कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया गया था कि केसरी खुद पीएम बनना चाहते थे। ऐसी भी खबरें हैं कि देवेगौड़ा सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद केसरी ने कई दलों के नेताओं को बुलाया और पीएम के लिए खुद के नाम का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन उनके नाम पर कोई राजी नहीं हुआ। दरअसल केसरी के पीएम बनने के बीच उनकी ही पार्टी आड़े आ रही थी। ऐसा बताया जाता है कि उस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रणब मुखर्जी, शरद पवार, अर्जुन सिंह और जितेंद्र प्रसाद जैसे लोग पीएम के लिए उनके नाम पर सहमत नहीं थे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के पास वापस संयुक्त मोर्चा सरकार को समर्थन देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया था। लेकिन अब सवाल था कि पीएम कौन बनेगा। इस फहरिस्त में मुलायम सिंह यादव, एसआर बोम्मई, जीके मोपनार और लालू यादव का नाम प्रमुखता से सामने आया, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद भी कोई नाम फाइनल न हो सका। कारण ये था कि संयुक्त मोर्चा में ही नेताओं के बीच विरोध के स्वर उठने लगे। मुलायम का नाम चला तो लालू ने विरोध किया, लालू का नाम आया तो चारा घोटाला की वजह से फैसला न हो पाया। दिल्ली के आंध्रा भवन में बैठकों का यह दौर देर रात तक जारी था। इस दौरान काफी थकान महसूस करने के बाद इंद्र कुमार गुजराल टीडीपी के सांसद के कमरे में जाकर सो गए। जब किसी भी नाम पर सहमति नहीं बनी तो इंद्र कुमार गुजराल का नाम भी इस फहरिस्त में आया। गुजराल के नाम पर कम लोगों ने विरोध किया। खास बात ये थी कि देवगौड़ा की सरकार में रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह भी गुजराल के खिलाफ थे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सीताराम केसरी गुजराल के नाम पर सहमत हो गए। अब मीटिंग में बैठे टीडीपी के तत्कालीन अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने अपने सांसद को भेजा और कहा, गुजराल साहब को सूचना दी। सांसद जी ने सोते हुए गुजराल को जगाया और कहा, उठिए गुजराल साहब, आपको सुबह प्रधानमंत्री पद की शपथ लेनी है। इस तरह 21 अप्रैल 1997 को इंद्र कुमार गुजराल ने देश के 12वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि ये सरकार भी ज्यादा दिन न चल सकी और 11 महीने बाद कांग्रेस ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 19 मार्च 1998 को इंद्र कुमार गुजराल ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने एक अखबार को इंटरव्यू में बताया कि भारतीय राजनीति में गुजराल के फैसलों पर उनके व्यक्तित्व की छाप साफ तौर पर देखने को मिलती। उनका गुजराल डॉक्ट्रिन का सिद्धांत एक तरह से मील का पत्थर बन गया था। दरअसल गुजराल डॉक्ट्रिन में पड़ोसी देशों से हर साल में बेहतरीन संबंध स्थापित करने पर जोर दिया गया था। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका समेत तमाम पड़ोसी देशों में भी गुजराल के इस दोस्ताना रवैये की काफी तारीफ हुई थी। एक राजनेता के तौर पर उनकी छवि हमेशा बेदाग रही। न्यूज़ नेशन के लिए नवीन कुमार की रिपोर्ट।